Hello students, today we will discuss about design procedure of quarter joint. आज हम quarter joint की design देखेंगे. First of all, what is quarter joint? A quarter joint is a temporary fastening and is used to connect rigidly two coaxial rods or bars which are subjected to axial tensile or compressive forces. Quarter joint है वो temporary fastening है और कहाँ पर use होता है? तो दो रिजिड बार या रोड्स जो कोएक्सियल है और उन पर टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो उन्हें कनेक्ट करने के लिए क्वार्टर जॉइंट यूज होता है. द वेरियस एप्लीकेशंस आर जॉइंट बिटवीन द पिस्टन रोड एंड द क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन, क्वार्टर जॉइंट बिटवीन द स्लाइड स्पिंडल एंड द फोर्क ऑफ वाल्व मैकेनिज्म, जॉइंट बिटवीन द पिस्टन रोड्स and the tail of pump rod, foundation bolt, mainly used in fastening heavy machines to foundations and construction. अब quarter joint की application क्या है? Joint between the piston rod and cross head of steam engine, मतलब piston rod है और steam engine का cross head है, उसको connect करने के लिए quarter joint use होता है. फिर slide spindle है और valve mechanism का जो fork है वहाँ पर भी quarter joint use होता है. Then पिस्टन रोड है और पंप रोड का टेल है, उन्हें कनेक्ट करने के लिए भी क्वार्टर जॉइंट यूज़ होता है और मोस्टली क्वार्टर जॉइंट जो है फाउंडेशन बोल्ट में भी क्वार्टर जॉइंट का यूज़ होता है. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट? फॉलोइंग आर द थ्री कॉमनली यूज्ड क्वार्टर जॉइंट्स टू कनेक्ट टू रोड्स बाय अ क्वार्टर: सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, गिब एंड क्वार्टर जॉइंट. क्वार्टर जॉइंट के टाइप्स कौन से हैं? तो वो है सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट एंड गिब एंड क्वार्टर जॉइंट. अब आज के लेक्चर में हम सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट है उसकी डिज़ाइन देखेंगे. सबसे पहले तो उसकी असेंबली और डिटेल हम देख लेते हैं कि सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर जॉइंट कैसे होता है वो. तो ये जो है वो क्वार्टर जॉइंट का असेंबली है और ये डिटेल है. अब डिटेल में ये सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी. तो इसको बोलते हैं क्वार्टर, ये है सॉकेट और ये क्या है? स्पिगॉट है. ठीक है, अब ये प्रोटोटाइप एक मॉडल है ताकि आप क्वार्टर जॉइंट को इजीली समझ सको. ये क्या है? क्वार्टर है, ये सॉकेट है और ये क्या है? स्पिगॉट है. ठीक है, अब इसको हम डिसेंबल करते हैं तो ये है क्वार्टर, देन आफ्टर ये है स्पिगॉट. जो सॉलिड पार्ट होता है उसको स्पिगॉट बोलते हैं और ये जो है वो क्या है? सॉकेट है. ठीक है, अब इसके जो डायमेंशन है वो डायमेंशन का जो भी नोटेशन है वो नोटेशन हम देख लेते हैं ताकि एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम ना हो. अब नोटेशन किस तरह से है, तो पी इज द लोड कैरिड बाय रोड्स. दो रोड्स को कोएक्सियली कनेक्ट करने के लिए क्वार्टर जॉइंट का यूज होता है. तो जो रोड पे जो लोड लगता है उसको हम डिनोट करेंगे किससे? पी से. देन आफ्टर ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? रोड है. ठीक है, इसका डायमीटर हम कितना लेंगे? स्मॉल डी. स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ रोड. देन अब हम देखते हैं सॉकेट, सॉकेट के डायमीटर कैसे लेने हैं. तो ये क्या है? ये सॉकेट है, ये रोड है और ये क्या है? सॉकेट कॉलर है. सॉकेट के डायमीटर को लेंगे हम D3 और सॉकेट कॉलर के डायमीटर को हम लेंगे D4. ये जो डायमीटर है ये क्या होगा? D4 और ये क्या होगा? D3. D3 इज द डायमीटर ऑफ सॉकेट. ठीक है, देन आफ्टर D4 क्या है? डायमीटर ऑफ सॉकेट कॉलर. ये सॉकेट कॉलर का डायमीटर हो गया. देन अब हम इसके डायमेंशन देखते हैं, ये है स्पिगॉट. सॉलिड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्पिगॉट. स्पिगॉट का जो डायमीटर है, स्पिगॉट का डायमीटर हम लेंगे D1 और ये क्या है? स्पिगॉट कॉलर है. स्पिगॉट कॉलर के डायमीटर को हम लेंगे D2. तो D1 क्या है? डायमीटर ऑफ स्पिगॉट और D2 क्या है? आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्पिगॉट कॉलर. ये जो स्पिगॉट कॉलर है इसके डायमीटर को हम क्या लेंगे? D2. ओके, देन जो क्वार्टर है, क्वार्टर की जो थिकनेस है, क्वार्टर की थिकनेस को हम क्या लेंगे? स्मॉल टी. स्मॉल टी इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर. देन आफ्टर T1 क्या है? थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. ये जो स्पिगॉट कॉलर है इसकी थिकनेस को हम किससे डिनोट करेंगे? T1 से. देन आफ्टर A इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ रोड.
तो ये जो स्लॉट है क्वार्टर के लिए जो स्लॉट किया गया है, तो यहाँ से लेकर के इतना जो डिस्टेंस है उसको हम क्या लेंगे, स्मॉल ए। देन आफ्टर बी, बी क्या है, मीन विड्थ ऑफ द क्वार्टर। तो ये जो क्वार्टर है क्वार्टर की विड्थ को हम क्या लेंगे, स्मॉल बी। देन सी, सी इज द थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर। ये क्या है, सॉकेट कॉलर है, तो इसकी थिकनेस को क्या लिया है, सी। और एल इज द लेंथ ऑफ क्वार्टर, इसकी जो लेंथ है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एल से, ठीक है। देन आफ्टर सिग्मा टी, सिग्मा टी इज द परमिसिएबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द रोड्स मटेरियल, सिग्मा टी। देन सिग्मा सी, परमिसिएबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर द क्वार्टर मटेरियल, एंड टाउ इज द परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर क्वार्टर मटेरियल। सिंपली सिग्मा टी को हमें लेना है टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा सी इज द क्रशिंग स्ट्रेस, एंड टाउ इज द शियर स्ट्रेस। ये तीनों तीन की जो वैल्यू है हमें डेटा में दी गई होगी, और ये जो लोड है उसकी वैल्यू भी दी गई होगी, और ये जो सारे डायमेंशंस है वो सारे के सारे डायमेंशन हम फाइंड करेंगे क्वार्टर जॉइंट के डिज़ाइन में, ठीक है। एक बार फिर से, ये क्या है, ये सॉकेट है, ठीक है, और ये सॉकेट कॉलर है। सॉकेट का डायमीटर हम लेते हैं D3, सॉकेट कॉलर का डायमीटर D4, इसकी जो थिकनेस है वो है कैपिटल सी। देन आफ्टर ये क्या है, ये स्पिगोट है, स्पिगोट का जो डायमीटर है वो होगा D1, स्पिगोट कॉलर का जो डायमीटर है वो क्या होगा, D2, ओके। इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस हमने कंसिडर करी है T1। देन ये है क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर की जो थिकनेस है उसको हम लेंगे स्मॉल टी, और इसकी जो विड्थ है उसको हम लेंगे स्मॉल बी, ओके। तो जो भी नोटेशन हमें लेने हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम देखते हैं डिज़ाइन। अब सबसे पहली पहला कंसिडरेशन जो हम करेंगे वो है फेलियर ऑफ द रोड इन टेंशन। अब डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कौन सी जो फॉर्मूला है वो कॉमनली पूरी डिज़ाइन में यूज़ होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ा स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ओके। फोर्स जो है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, और एरिया जो है वो क्या होगा, कैपिटल ए। अब यहाँ पर फोर्स जो है, फोर्स को हम सब्जेक्ट कर देंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगी, पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कौन सा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, या फिर जो भी जिस पर भी स्ट्रेस लग रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें लेना है। तो अब क्वार्टर की जो डिज़ाइन हम करने वाले हैं उस क्वार्टर की डिज़ाइन में हमें यही फॉर्मूला यूज करनी है, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। आपको कंपोनेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया पता होगा तो आप इजीली फॉर्मूला रख के और फिर वो एग्जांपल को इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है और वो आपको याद रखना है, लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, ओके। अब सबसे पहला जो फेलियर है, पहला फेलियर कौन सा है, फेलियर ऑफ द रोड इन टेंशन। टेंशन मतलब कि टेंसाइल फोर्स, दो अपोजिट डायरेक्शन में जो लोड लग रहे हैं उसको हम टेंसाइल लोड बोलते हैं। तो ये जो रोड है उसका फेलियर होगा कैसे, तो टेंसाइल लोड लगने के कारण, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो उसका क्या होगा, फेलियर होगा। उसकी उसका ये डायग्राम यहाँ पर बताया है, ये क्या है, ये हमारा रोड है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ से उसका क्या होगा, फेलियर होगा। अब यहाँ पर ये जो रोड है, ये रोड का डायमीटर हमने किससे डिनोट किया है, स्मॉल डी से डिनोट किया है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4D2, ओके। एरिया रेजिस्टिंग क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4D2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेंसाइल टेंशन के कारण ये रोड का फेलियर हो रहा है। अब ये वाली फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पी इज इक्वल टू टेंशन है तो हम यहाँ पर डिनोट करेंगे सिग्मा सफिक्स में टी, इट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब रोड के लिए एरिया क्या होगा, पाई बाय 4D2, मतलब इतने एरिए से टेंशन होने से इतने एरिए में रोड पर क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, पी इज इक्वल टू पाई बाय 4D2 इंटू सिग्मा टी, ओके। तो ये क्या है, पहली फॉर्मूला है, और इस पे से हम क्या ऑब्टेन करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा डी, डी इज द डायामीटर ऑफ रोड, ओके।
तो फर्स्ट फेलियर हमें कंसिडर करना है फेलियर ऑफ द रोड इन टेंशन, और रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू सिग्मा टी. डी डी इज द डायमीटर ऑफ रोड. इस फॉर्मूला से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, तो हमें वैल्यू मिलेगी रोड के डायमीटर की. ठीक है, और जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो वैल्यू हम किस में फाइंड करेंगे, एमएम में फाइंड करेंगे. और जो लोड है वो लोड हमें किलो न्यूटन में दिया गया होगा और हमें उसको कन्वर्ट करना है न्यूटन में. न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10^2 × 10^3. ओके, तो ये फर्स्ट फेलियर होगा, हो गया. देन सेकेंड फेलियर है, सेकेंड फेलियर, फेलियर ऑफ स्पिगॉट इन टेंशन अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन. तो जो भी स्पिगॉट है, ठीक है, ये हमारा स्पिगॉट है, ठीक है. स्पिगॉट का क्या होगा, फेलियर होगा किससे, टेंशन की वजह से, टेंसाइल लोड लगने की वजह से अक्रॉस द वीकेस्ट सेक्शन. मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पर टेंसाइल लोड लगेगा तो ये बीच में से टूट जाएगा, ठीक है. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला फाइंड करनी है. अगर ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम पे आप देख सकते हो, इसको कंपेयर करो तो आप इजीली देख पाओगे, ये हमारा स्पिगॉट है, ठीक है, और सबसे वीकेस्ट सेक्शन ये होगा. यहाँ पर टेंसाइल लोड लगने के कारण ये बीच में से इसके दो पार्ट हो जाएंगे. तो ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है वो क्या है, उसका फेलियर है, ठीक है. तो अब हम अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले तो एरिया रेजिस्टिंग फाइंड करेंगे, एरिया रेजिस्टिंग ऑफ द स्पिगॉट अक्रॉस द स्लॉट, अक्रॉस द स्लॉट. तो इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमें पता है कितना है, D1 है. तो ये सर्कल को, इसका 2D ड्राइंग यहाँ पर किया हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, D1 है. और यहाँ से, मतलब ये जो स्लॉट है वहाँ से टूट रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा बनेगा. इसकी थिकनेस कितनी थिकनेस होगी, क्वार्टर की जितनी थिकनेस होगी. तो यहाँ पर थिकनेस T ली हुई है, ओके. अब तो इसका हमें एरिया लेना है, तो एरिया उसका कितना होगा. उसके लिए ये जो पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एरिया पहले तो कितना होगा, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, ओके. और हमें इसमें से कितना एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो स्क्वायर सेक्शन आपको दिख रहा है उसका एरिया जो है हमें माइनस करना पड़ेगा. तो हमें जिस एरिया का फेलियर हो रहा है उस एरिया की वैल्यू हमें मिलेगी, उस एरिया का फॉर्मूला हम इजीली फाइंड कर सकेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर ये हमें माइनस करना पड़ेगा. तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, D1 होगी, और जो विड्थ है वो कितना होगा, T होगा. तो हम माइनस करेंगे D1 × T, ठीक है. D1 × T क्यों लिया, क्योंकि इसको जब हम क्रॉस सेक्शन 2D में देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल होगा. इस सर्कल में से इतना पोर्शन हमें माइनस कर देना है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, D1 × T. तो D1 × T, ओके, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर माइनस D1 × T. तो इतने एरिया का क्या हो रहा है, फेलियर किसकी वजह से, टेंशन की वजह से, टेंसाइल लोड की वजह से. तो अगेन फोर्स P इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय एरिया. अब एरिया यहाँ पर कितना है, सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट पाई बाय 4 D1 स्क्वायर माइनस D1 × T, ओके. तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी किसकी, D1 और T की. अब यहाँ पर एक अजम्पशन हमें करना है, अज्यूम डेटा में D1 और T दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई होगी, तो इनका कोरिलेशन है, वो कोरिलेशन याद रखना है, T इज इक्वल टू D1/4, ओके. तो ये अजम्पशन है, ये कोरिलेशन है, डिज़ाइन में आपको याद रखना ही पड़ेगा. जो भी कोरिलेशन है वो कोरिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे. और ये जो फॉर्मूला है इस पर से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, D1 और T की वैल्यू मिलेगी. अब नेक्स्ट जो फेलियर है, नेक्स्ट फेलियर क्या होगा, इससे रिलेटेड ही है इसलिए आपको याद रखना है, फेलियर ऑफ द रोड और क्वार्टर इन क्रशिंग. तो जो भी रोड है उसका क्रशिंग होगा, ठीक है. तो उसका एरिया कितना लेना है, एरिया इज इक्वल टू D1
इंटू टी, ठीक है। तो ये जो भी ये जो पोर्शन है डी वन यहाँ से उसका, ये आपको अंदर यहाँ पर देख सकते हो, ये जो पोर्शन है इसका क्रशिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा, डी वन इंटू टी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगी, पी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया, सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाय डी वन इंटू टी, ओके। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, कोरिलेशन से डी वन और यहाँ पर डी वन और टी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जो भी डी वन और टी की वैल्यू हमें मिली है उसकी वैल्यू इसके अंदर रख देना है, और फिर हम इसमें फाइंड करेंगे क्या, सिग्मा सी। सिग्मा सी फाइंड करने के बाद आपको डेटा में सिग्मा सी की वैल्यू, क्रसिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी गई होगी। तो क्रसिंग स्ट्रेस जो है, अगर यहाँ पर हमें जो सिग्मा सी मिल रहा है इज लेस देन और इक्वल टू सिग्मा सी गिवन, देन हमारी जो डिज़ाइन है वो कैसी होगी, सेफ होगी। और अगर यहाँ पर हमें सिग्मा सी की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, सिग्मा सी की कोई भी वैल्यू डेटा में दी हुई होगी, ठीक है, तो अगर सिग्मा सी की वैल्यू हमें यहाँ पर ज़्यादा मिल रही है, दैट मीन्स जो डी वन और टी हमने फाइंड करे हैं वो, उसकी जो डिज़ाइन है वो सेफ नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा में हमें सिग्मा सी की वैल्यू दी है वो इसके अंदर रखना है। देन आफ्टर डी वन और टी का जो कोरिलेशन है, टी इज इक्वल टू डी वन बाय फोर, वो रख के और फिर डी वन और टी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी रहेगी। तो हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले तो रोड जो है, रोड का डायमीटर फाइंड किया, देन डी वन स्पीगॉट का डायमीटर फाइंड किया, और थिकनेस टी हमने फाइंड करी। अब नेक्स्ट फेलियर देखते हैं। नेक्स्ट फेलियर है फेलियर ऑफ दी सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस दी स्लॉट। अब जो भी सॉकेट है, ये सॉकेट है, यहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है, और टेंसाइल लोड के कारण जो सॉकेट है, सॉकेट का ये स्लॉट के पास में से फेलियर होगा। अब इसका डायग्राम, ये जो यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, ये जो पर्पल कलर का है वो उसका फेलियर है, ठीक है। अब ये जो डायमीटर है वो हमने क्या लिया था, डी थ्री लिया था, ओके। ये डायमीटर डी थ्री है, और इसका जो अंदर का डायमीटर है वो किसके जितना होगा, इसमें हमारा स्पीगॉट जा रहा है, ठीक है, स्पीगॉट हमारा जाएगा, तो इसका जो डायमीटर है वो क्या होगा, डी वन होगा। तो इसका आउटर डायमीटर हमें लेना है डी थ्री, और इनर डायमीटर क्या लेना है, डी वन। तो इसका जो फेलियर हो रहा है उसका डायग्राम क्या बनेगा, तो देखो ये जो डायमीटर है ये कितना है, डी थ्री, और ये जो डायमीटर है वो क्या होगा, डी वन होगा। और इसका फेलियर कहाँ से हो रहा है, ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है वहाँ से उसका फेलियर हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट फेलियर है वो, नेक्स्ट फेलियर हमारा क्या है, फेलियर ऑफ द सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। टेंसाइल फोर्स के कारण फेलियर हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमें एरिया की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो इस डायग्राम पर से हम इजीली समझ पाएंगे कि हमें फॉर्मूला क्या लेनी है। तो सबसे पहले तो ये जो हॉलो सर्कल हमें दिख रहा है, उस हॉलो सर्कल का एरिया कंसिडर करें, तो क्या होगा, पाई बाय फोर डी थ्री स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, और इस एरिया में से हम क्या माइनस करेंगे, ये जो दो स्लॉट दिख रहे हैं वो दो स्लॉट को माइनस करो, तो हमें एरिया, जो रेजिस्टिंग एरिया है, उस रेजिस्टिंग एरिया की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट की वैल्यू कितनी होगी, डी थ्री माइनस डी वन, डी थ्री माइनस डी वन हम करेंगे, ठीक है, तो इतना स्लॉट हमें मिल जाएगा, और इसकी थिकनेस कितनी है, टी है, तो ये पोर्शन माइनस करो तो हमें एरिया मिल जाएगा, जो भी एरिया हमें हमारी फॉर्मूला में रखना है वो हमें मिल जाएगा। तो माइनस डी थ्री माइनस डी वन इंटू टी, ओके। तो ये एरिया हो गया, इतने क्रॉस सेक्शन एरिया पे फेलियर हो रहा है। अब जो फोर्स की जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम रख देंगे इसके अंदर, तो क्या होगा, पी इज इक्वल टू टेंशन है इसलिए सिग्मा टी मल्टीप्लाई बाय एरिया, ओके। अब फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने फाइंड करी वो फॉर्मूला इसके अंदर रख देंगे, तो क्या होगा, सिग्मा टी इन ब्रैकेट पाई बाय फोर
डी थ्री स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर माइनस डी थ्री माइनस डी वन इंटू टी। ये याद रखना है आपको कि ये पूरा अलग है और ये एरिया, इतने एरिया में से इतना जो एरिया है वो एरिया हमने माइनस किया है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो फोर्स पी इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू पाई बाई फोर डी थ्री स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर माइनस डी थ्री माइनस डी वन इंटू टी। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डी थ्री की वैल्यू हमें मिलेगी एमएम में, ठीक है। और डी थ्री क्या है, डी थ्री इज द डायामीटर ऑफ सॉकेट, ओके। तो ये हो गया। और इसमें आपको खास ये याद रखना है, ये जैसे फॉर्मूला ली है इसमें वैल्यू रखने में आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट फेलियर है, फेलियर ऑफ द सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। ये जो सॉकेट कॉलर है, ये सॉकेट कॉलर का क्रशिंग से, यहाँ पर क्रशिंग से क्या होगा, फेलियर होगा। तो इतना जो एरिया है वो इतना एरिया ही हमें सिर्फ कंसिडर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये सॉकेट कॉलर है। सॉकेट कॉलर का डायमीटर हमने क्या कंसिडर किया है, सॉकेट कॉलर का डायमीटर हमने कंसिडर किया है डी फोर, ओके। और ये इनर डायमीटर क्या होगा, डी वन, क्योंकि यहाँ से फेलियर होगा, ये जो आपको दिख रहा है इतना फेलियर यहाँ पर होगा, ओके। तो सिर्फ ये जो इतना पोर्शन क्रॉस सेक्शन जो किया हुआ है उतना ही पोर्शन हमें लेना है। क्रशिंग है इसलिए यहाँ पर स्ट्रेस हम कंसिडर करेंगे सिग्मा सी। और ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा, डी फोर माइनस डी वन, डी फोर माइनस डी वन होगी इतनी वैल्यू। और ये जो थिकनेस है, जो क्वार्टर की थिकनेस है, उतना ही स्लॉट होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी जितनी होगी। तो सबसे पहले तो एरिया क्या होगा, यहाँ पर एरिया ए इज इक्वल टू डी फोर माइनस डी वन इंटू टी। कॉलर, सॉकेट कॉलर का फेलियर हो रहा है क्रशिंग से, तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, पी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया, ओके। सिग्मा सी इज डी फोर माइनस डी वन इज द एरिया, डी फोर माइनस डी वन इंटू टी इंटू सिग्मा सी, ओके। डी वन की वैल्यू हमने आगे ऑलरेडी फाइंड कर ली होगी, और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डी फोर की वैल्यू मिलेगी एमएम में। और डी फोर जो है वो, डी फोर क्या है, डायामीटर ऑफ सॉकेट कॉलर। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिलने वाली है, सॉकेट कॉलर की वैल्यू मिलने वाली है। अब नेक्स्ट फेलियर हम देखते हैं, नेक्स्ट फेलियर क्या है, फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग। जो भी स्पिगॉट कॉलर है, ये जो स्पिगॉट कॉलर है, स्पिगॉट कॉलर कॉलर का फेलियर हो रहा है किस वजह से, क्रशिंग की वजह से, ठीक है। तो ये जो स्पिगॉट कॉलर है, ये स्पिगॉट कॉलर का ये वाला डायमीटर, ये डायमीटर हमने कितना लिया है, डी टू। तो यहाँ पर आउटर जो डायमीटर है वो होगा डी टू, और इनर डायमीटर है वो कितना है, डी वन, ओके। फेलियर है क्रशिंग की वजह से, ठीक है। अब सबसे पहले तो पूरा की पूरा इसका क्रशिंग हो रहा है, ये जो पूरा ये दिख रहा है यहाँ पर, इसका पूरा क्रशिंग होगा, तो उसका एरिया हम क्या कंसिडर करेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, ओके। फॉर्मूला क्या होगी, पी इज इक्वल टू सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब क्रशिंग है तो क्रशिंग के लिए सिग्मा सी लेना है, और एरिया क्या होगा, पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर। तो पाई बाय फोर डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा सी। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, डी टू की वैल्यू मिलेगी एमएम में, ठीक है। तो ये हो गया फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग। अब नेक्स्ट फेलियर हम देखते हैं नेक्स्ट फेलियर है किसका, फेलियर ऑफ कॉटर इन शीयर। अब यहाँ पर शीयर फोर्स लगेगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो क्वार्टर है उसका शीयर की वजह से क्या होगा, फेलियर होगा। अब इसका एरिया हमें लेना है, तो इसका एरिया हम कितना लेंगे, विड्थ बी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस टी। तो एरिया क्या हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ए इज इक्वल टू बी इंटू टी। शीयर जो है वो कैसा है, डबल है, डबल शीयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू इंटू बी मल्टीप्लाई बाय टी, ओके। तो जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बनेगी, पी इज इक्वल टू एरिया इंटू शीयर को किससे डिनोट करेंगे हम, टाउ से, ओके। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टू इंटू बी इंटू टी मल्टीप्लाई बाय टाउ। थिकनेस हमने ऑलरेडी आगे फाइंड कर ही लिया होगा, तो इस पर से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी,
विड्थ, क्वार्टर की विड्थ की वैल्यू हमें इस फॉर्मूला पर से मिलेगी। तो ये हो गया फेलियर ऑफ क्वार्टर इन शियर। अब नेक्स्ट फेलियर है फेलियर ऑफ द रोड एंड इन शियर। ओके, तो जो भी रोड एंड है, ये जो स्पिगॉट है, यहाँ से ये जो दिख रहा है, यहाँ से फेलियर होके ये पोर्शन पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें लेना है। ये जो डिस्टेंस है वो हमने कितना कंसिडर किया है, स्मॉल ए जितना कंसिडर किया है, और ये जो पोर्शन जो बाहर आ रहा है उसका, उसकी जो वैल्यू है वो हमने कितनी ली है, स्मॉल ए जितनी ली है, इतना जो पोर्शन है उसका डिस्टेंस। ठीक है, और ये जो डायमीटर है वो कितना है, डी वन है, तो उसका एरिया कितना होगा जो हमें कंसिडर करना है, वो एरिया होगा ए इज इक्वल टू ए इंटू डी वन। और जो शियर हो रहा है वो डबल है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे दो के साथ में। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, पी इज इक्वल टू, शियर है इसलिए टाउ इंटू एरिया, टाउ मल्टीप्लाई बाय टू इंटू ए इंटू डी वन। ओके, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी स्मॉल ए की, जो भी रोड एंड से इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की वैल्यू हमें मिलेगी। ये डिस्टेंस की वैल्यू हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि जब ड्राइंग शीट में आप क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका ये जो ए है वो ए की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, इसलिए। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ द सॉकेट एंड इन शियरिंग। ये जो सॉकेट एंड है वो सॉकेट एंड का यहाँ से ये देखो फेलियर, इसका जो फेलियर हो रहा है ये पोर्शन पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमने कितना लिया है, डी फोर लिया है, और ये जो अंदर का डायमीटर है वो कितना है, डी वन है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये डायमीटर कितना है, डी फोर है, और अंदर का क्या है, डी वन है, तो डी फोर में से डी वन माइनस करेंगे तो हमें ये जो रेक्टेंगल शेप है उसकी वैल्यू मिलेगी, मतलब उसका जो एरिया है उसका एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो डी फोर माइनस डी वन, ओके, और जो थिकनेस है ये तो सिर्फ इसकी लेंथ हो गई जो हमने फाइंड करी, और ये जो सॉकेट है वो सॉकेट की थिकनेस हमने कितनी ली है, कैपिटल सी। ठीक है, देखो ये थिकनेस सी है, और यहाँ से ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो शियरिंग के वजह से बाहर आ जाएगा। ओके, तो हमें एरिया रेजिस्टिंग कंसिडर करना है, तो वैल्यू कितनी होगी, डी फोर माइनस डी वन, और थिकनेस कितनी है, सी मल्टीप्लाई बाय सी, और जो शियर है वो कितना है, डबल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय टू। ओके, तो फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाउ इंटू एरिया, तो टाउ मल्टीप्लाई बाय एरिया टू इंटू डी फोर माइनस डी वन इंटू सी। ओके, तो ये फेलियर होगा, हो गया सॉकेट एंड का सीयरिंग की वजह से। ठीक है, और अब लास्ट फेलियर हम देखेंगे, फेलियर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर इन शियरिंग। जो स्पिगॉट है, ये जो स्पिगॉट है, ठीक है, ये स्पिगॉट कॉलर का शियरिंग की वजह से, यहाँ से इसके साथ में कंपेयर करो तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। ये जो स्पिगॉट कॉलर है शियरिंग की वजह से उसका फेलियर हो रहा है। ठीक है, अब जो इसका आउटर डायमीटर है, मतलब कि स्पिगॉट कॉलर का जो डायमीटर है वो कितना है, डी टू है, और ये जो इनर डायमीटर है वो कितना है, डी वन है। हमें इतना पोर्शन, ये जो दिख रहा है उतना पोर्शन हमें लेना है, तो उसका हम 2D डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इतना होगा, ये होगा। अब इसका एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका एरिया हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, जो भी स्पिगॉट कॉलर है, इस स्पिगॉट कॉलर का एरिया हम इतना कंसिडर करेंगे, तो वो एरिया हमें लेना है पाई इंटू डी वन इंटू टी वन। ओके, ये जो एरिया है वो कितना होगा, ये जो एरिया दिख रहा है पेरीफेरी जितना एरिया लेना है, क्योंकि पेरीफेरी पे शियर कंसिडर किया है, तो पेरीफेरी क्या होता है, पाई डी टी होता है। ठीक है, तो ये जो डायमीटर है वो कितना है, डी वन है, थिकनेस कितनी है, टी है, उसका पेरीफेरी कंसिडर करो तो क्या होगा, पाई डी टी, पाई इंटू डी वन इंटू टी वन। अब फोर्स की फॉर्मूला अप्लाई करो तो पी इज इक्वल टू, शियरिंग हो रहा है तो टाउ मल्टीप्लाई बाय एरिया
जो भी शियर स्ट्रेस है यहाँ पर डबल लेना नहीं है, आगे जितने जितने भी शियरिंग हुए उसमें डबल शियर कंसिडर करना है, इसमें डबल शियर कंसिडर करना नहीं है, ठीक है। पाई इंटू डी वन इंटू टी वन मल्टीप्लाई बाय टाउ, और इस पर से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, तो हमें वैल्यू मिलने वाली है टी वन। टी वन इज द थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, इसकी थिकनेस हमें मिल जाएगी। तो ऐसे जो भी क्वार्टर जॉइंट है वो क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन कर सकते हो, और अलग जो भी डायमेंशन हमें फाइंड करने को बोले गए हैं वो डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।